तो क्या हाल चाल है सबके भैया, जो मत करें जरा ऐसे इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, जिनको देख के आपका मूड हो जाएगा स्विंग, क्योंकि ये रील्स हैं ही इतनी क्रिंज। इंस्टाग्राम पे सिर्फ दो तरह की वीडियो चलती है, या तो बहुत ही बढ़िया या तो बहुत ही घटिया, और अगर गलती से किसकी घटिया वीडियो के ऊपर व्यूज आ जाए तो वो बंदा वैसी वीडियोस बनाता रहता है और इंस्टाग्राम रील्स पे कूड़ा फैलाता जाता है। तो चलो भाई, देखने के लिए इनका मनोरंजन भरा कूड़ा मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट, जिसको आपको देखना होगा पूरा। यार तुम इतने हैंडसम क्यों हो, मुझे डर लगता है। क्यों, तुम्हें किसी और ने पटा लिया तो? हाँ जी, हैंडसम सच में? हाँ, ये तो स्वर्ग से उतरा हुआ कोकिल कंटी परा जो ठहरा। दीदी आपको ये कौन से एंगल से लग रहा है हैंडसम? ये हैंडसम नहीं, किसी जेब कतरा मंडली का मेंबर लग रहा है। इसकी गरीब की चप्पल जैसी घिसी हुई शक्ल देख के कोई लड़की इसको सताए ना, पटाने की तो दूर की बात है। सही पकड़े हैं। नहीं भाई, आप सॉरी मत बोलो, अगर आपको थूकना है ना आप मुझ पे थूको, पर ये अपनी धरती माँ इस पे मत थूको। अपन अपनी माँ पे कैसे थूक सकते हैं भाई? हाँ भाई, थूकना है तो इस पे थूक दो, ये कूड़ेदान से कम थोड़ी ना है। और ऊपर से इन भाई साहब का लॉजिक तो देखो, अपनी धरती माँ इस पे मत थूको, इस हिसाब से तो इसको धरती पे चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धरती तो इसकी माँ है, और ये अपनी माँ के ऊपर पैर रख के कुचलते हुए कैसे चल सकता है? हाँ भाई, अगर तुझे फ्री का ज्ञान देने की चुल मची हुई थी तो ये ज्ञान देता कि गुटखा खा के इधर उधर मत थूको, पीक डान में थूको। ये क्या बात हुई? कुछ भी। लेकिन इस भाई के इस वाहिया से प्रवचन को सुनके इस बंदे को बहुत ही दुखी मन से पछतावा हुआ, और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस बंदे ने खुद के ही चेहरे पे खुद के हाथों से थप्पड़ मारे, और खुद के ही हाथों से खुद के कान पकड़ के अपने आप से ही माफी मांग ली। पानी की तरह बहते रहना, रुकोगे तो सड़ जाओगे। इस भाई के फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ने अपने प्रेशर को बहुत देर से रोक के रखा हुआ है। भाई तुम्हारे घर के पीछे जो नाला है उसमें खुला पानी बह रहा है, तो कृपया आप अपने प्रेशर को ना रोके और नाले में जाके रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अगर आप रोकोगे तो सड़ जाओगे। उससे उठेंगे ना, किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। देखो दीदी, मैं आपके मोटापे का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन सपोज अगर आप गलती से गिर जाएं, तो आपको उठने के लिए किसी न किसी के हाथ की जरूरत तो पड़ने वाली है, और जो गलती से आपको उठाने की कोशिश करेगा वो आपका भार झेल नहीं पाएगा और उसकी आपको लग जाएगी हाय। तो दीदी प्लीज ऐसा मत करो। कर क्या रही है? ये गाना गा रही है, एक्टिंग कर रही है, क्या कर क्या रही है? इसको खुद की एक्टिंग के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये अपने फोन के कैमरे से नजरें नहीं मिला पा रही, क्योंकि इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो भी कर रही है, जैसा भी कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन इसको कौन समझाए कि ये वीडियो के नाम पे आड़े टेढ़े हाथ हिला रही है और आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रही है, और इसकी इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोग इसको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये कहाँ से हैं? ये इंसान है कि एलियन? पानी पीने के लिए इंसान है, गिलास और बोतल नाम की वस्तुएं बनाई हुई हैं। ऐसे टीवी को तोड़ के उसके अंदर पानी भर के कौन पानी पीता है? कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। चम्मच नहीं है, किसमें खाऊं? चम्मच भाई, चम्मच नहीं मिला तो हाथ से ही खा लेता, कम से कम रिस्क तो ना होता। खतरों में खिलाड़ी बनने के चक्कर में अगर तो अपनी आदत से बाज ना आए ना तो बहुत पछताएगा, और अगर गलती से बैल अपनी आई पे आ गया और अपना सींग चुसवाते समय गलती से इसने जरा सा धक्का भी मार देना, तो कब तुम्हारे गले का गलफड़ा बन जाएगा ये तुमको खुद ही नहीं पता चल पाएगा। क्रीम भाई, लेकिन चम्मच नहीं है। रुक भाई, ये लो चम्मच। आइसक्रीम लेने के पैसे हैं इनके पास, लेकिन चम्मच लेने के नहीं। भाई पहले तो जाके इनके घर में चम्मच की सप्लाई करवाओ। चम्मच ना होने की वजह से कोई बेचारा सींगों से खा रहा है, कोई रोड साइन के बोर्ड से खा रहा है, और पता नहीं किस किस चीजों से खा रहे हैं। चम्मच नहीं है, कैसे खाए आइसक्रीम? चम्मच। जिस हिसाब से अपने खाने पीने का लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, कल को क्या पता जेसीबी के पंजे को ही अपना चम्मच बना ले। बताओ, चम्मच छोड़ के दुनिया की हर अतरंगी चीज इनको मिल गई है, लेकिन दो कौड़ी का चम्मच नहीं मिल रहा। भाई ये लोग इंसान नहीं, महाशक्तिमान है, तभी तो ये जेसीबी के पंजे से खाना खा रहे हैं। जरूर ये लोग अपने गांव के नवाब होंगे, तभी तो इन लोगों ने ऐसे खतरनाक शौक पाल रखे हैं। सही बात है, जेसीबी के पंजे से खाना खा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मिट्टी में मैगी कौन बनाता है भाई? इनकी ऐसी आदतों को देख के मुझको ये लगता है कि ये लोग इंसान तो है ही नहीं, ये लोग इंसानों के बेस में दूसरी दुनिया से आए कीड़े मकोड़े हैं, तभी तो वे ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चम्मच नहीं, किसमें खाऊं?
खाओ। बस बहुत हो गया, अब इनकी वीडियो में और नहीं देखूंगा। रील्स के नाम पे इन्होंने अपना अलग ही चम्मच वर्स बना रखा है। चम्मच इनके घर पे एक नहीं है, पर वीडियोस के नाम पे इन्होंने इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भर भर के क्रिंज फैला रखा है। बताओ यार, बहुत टाइम हो गए शादी किए हुए। क्या 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 यार, बहुत टाइम हो गए शादी किए हुए। शादी ना हुई, पानी पूरी हो गई। जो बड़े दिन से ना खाई तो मन करने लगा। किसी से शादी करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? आईडिया। लकी जी, ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। भाई इस दुनिया में बच्चों की रोने की आवाज कब से किसी सस्ती कोयल के जैसे हो गई। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बच्चों की रोने की आवाज भी बदल गई है। मैंने इनकी वीडियो में पहली बार देखा है। क्या? नहीं नहीं, सुना है। शिफाली, वो रहा बच्चा, तुम यही रहो, मैं उसको लेके आता हूँ। और ले मेरा बच्चा, चुप हो जा मेरा बेटा। सुनो, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने गोद में उठाने की? आप कौन है और आपने अपने बेटे को ऐसे अकेला क्यों छोड़ा है? ये सब छोड़िए, आपने मेरे बेटे को गोद में उठाया, आपको अब इसका पापा बनना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है भाई? इस भले बंदे ने इस बच्चे को चुप कराने के लिए अपनी गोद में उठाया, तो इस पे ये मतलब मैं इसको ये कह रही है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस बंदे ने गलती से इस बच्चे को 2 सेकंड के लिए उठा के लिया। इस मोहतरमा ने तो इसको इसका परमानेंट ऑनर बनाने का ही सोच लिया। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, मैं आजमा रही थी, इस बच्चे को बाप का प्यार कौन दे सकता है, और आपने इसको उठाया, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी तो पहले से ही बीवी है। सही बात है, एक शादीशुदा बंदा तुमसे शादी कैसे कर सकता है? लगी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक सौतन के साथ साथ एक बच्चा भी मुझे मिल जाएगा। भैया कैसे खुले विचारों वाली पत्नी है? सौतन और बच्चे को रखने के लिए तो ये ऐसे तैयार होगी जैसे इसको महंगे महंगे गिफ्ट मिल गए हों। अब तो आपकी बीवी भी मान गई, अब मुझसे शादी करना है। जरूर, चलिए थोड़ी सी शादी करके आते हैं। थोड़ी सी शादी? भाई ये कौन सी नई किस्म की शादी है? लड़की कह रही है बड़े दिनों से शादी नहीं की, और ये लड़का कह रहा है थोड़ी सी शादी करते हैं। ये इनकी कौन सी दुनिया है जहाँ पे ऐसे अजीबोगरीब वाहिया से रीति रिवाज चल रहे हैं? पता नहीं, रील्स के नाम पे इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। इनकी स्क्रिप्ट, इनकी मेहनत और इनकी महान एक्टिंग के लिए इनके लिए थोड़ी सी गाली तो बनती है। तो कृपया जाते जाते इनके लिए सम्मान से भरे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।